नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं जौहर आपका दोस्त। मैं अपने चैनल आयुर्वेद जड़ी बूटी ज्ञान में आपके लिए लेकर आता हूँ झारखंड के सुदूर इलाकों से जड़ी बूटियों का खजाना। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ एक बहुत ही चर्चित फल, जिसे आप औषधि भी कह सकते हैं। इसका नाम आंवला है, आपने सही पहचाना, यह आंवला ही है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आंवले कुछ ऐसे औषधीय गुण जिसे आप प्रयोग कर अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। यह आंवला, जिसे संस्कृत में आमलकी, अमृता, धात्री तथा हिंदी में आंवला, आंवला, आंवरा, आंवला, उड़िया में औला, ओनोला, उर्दू में आंवला, गुजराती में आमला, बंगाली में आमला, नेपाली में अमला, पंजाबी में आमला, मराठी में आंवले तथा अंग्रेजी में इंडियन गूजबेरी, अरबी में आमलज, फारसी में आमला तथा इसका वनस्पतिक नाम फाइलेंथस एम्बलिका है। दोस्तों यह एक ऐसा फल है जिसे रसायन के रूप में हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा गया है, क्योंकि यह त्रिदोष हर है, वात, पित्त, कफ, इन तीनों को शमन करता है, जिसके कारण यह आंवला त्रिदोष हर और अमृता का नाम रखा गया है। दोस्तों यह आंवला बहुत ही लाभदायक है हमारे बहुत सारे रोगों में। आप 100 से ज़्यादा रोगों में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसका सेवन करते हैं कच्चे आंवले के रूप में, आंवले का अचार के रूप में, आंवले का मुरब्बा हो या आंवला एलोवेरा जूस हो, आंवले का जूस हो, इस तरह का जिस भी रूप में इसका आप प्रयोग करते हैं, यह आपके शरीर के लिए लाभदायक है, आप इसका प्रयोग करें। आइए चलते हैं, इसके कुछ आयुर्वेदिक गुण मैं आपको बता देता हूँ। यह बालों को काला करने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। यदि आपके बाल टूट रहे हों, आपके बाल कमज़ोर हो गए हों, आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हों, तो आप इसका प्रयोग करें। आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं, यह आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाता है। यदि 30 ग्राम सूखे आंवले को लेकर 10 ग्राम बहेड़ा लें, 50 ग्राम आम की गुठली, आम की अंदर जो गिरी होती है गुठली के अंदर, उसको लें और 10 ग्राम लौह भस्म को रात भर लोहे की कड़ाही में अगर भिगो कर रखते हैं और रोज़ाना इसी प्रकार आप करके अपने सर में इसको लगाते हैं, लेप लगाते हैं, तो यह आपके असमय सफ़ेद हुए बालों को भी काला कर देती है। बहुत ही पावरफुल औषधि है, आप इसका प्रयोग कर देख सकते हैं। यह शुक्र में यानी धाक का गिरना और स्वप्न दोष में भी बहुत लाभदायक है। धूप में सुखाए हुए आंवले की गुठली रहित जो चूर्ण है, आंवले का चूर्ण लें जिसमें गुठली नहीं मिली हो, आप उसका चूर्ण ले लें और उसमें दोगुनी मिश्री मिला लें। दोगुना मिश्री मिलाने के बाद ताज़ा पानी के साथ 15 दिन यदि आप लगातार सेवन करते हैं, तो लगातार सेवन करने से आपके स्वप्न दोष का प्रॉब्लम दूर हो जाता है तथा आपका धात का जो प्रॉब्लम है वह भी दूर हो जाता है। दोस्तों यह बहुत ही लाभकारी और गुणकारी पौधा है, फल है, जिसे मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। दोस्तों यदि पीलिया हो गया हो, जिसे कामला भी कहते हैं, तो आंवले की चटनी बनाकर उसमें शहद मिलाकर सेवन करें, तो यह हमारे यकृत दुर्बल को यानी हमारे पीलिया को दूर करके हमें स्वस्थ कर सकता है। यह गठिया में, वात रक्त में, बहुत सारे रोगों में लाभदायक है। योनि दाह में, सुजाक में, रक्त परदर में, श्वेत परदर में, जिन माताओं बहनों को श्वेत परदर हो, रक्त परदर हो, आंवले को 20 मिलीलीटर आंवले के रस में जीरा चूर्ण मिलाकर यदि दिन में 2 बार सेवन करते हैं, तो आपके
रक्त प्रदर एवं श्वेत प्रदर दोनों में लाभ करता है। दोस्तों यह बहुत ही लाभकारी एवं गुणकारी फल है, इसका सेवन करें। सर्दियों का मौसम है और बाज़ार में अभी उपलब्ध है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपको यदि कब्ज होता हो, भूख नहीं लगता हो, तो आप इसके अचार का सेवन करें, आप इसके मुरब्बे का सेवन करें। यह बहुत ही गुणकारी और लाभकारी पौधा फल जिसे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसी प्रकार बहुत सारी औषधि पौधे तथा औषधीय फल जो मेरे नज़र से गुजरेंगे आपके समक्ष लेकर आता रहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरे वीडियोस को और शेयर करें जिससे दूसरों को भी इसका लाभ मिलता रहे। थैंक यू।